अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पार्ट 6 में। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के पार्ट 6 से आप सीखेंगे दुश्मन अगर आप पर डायरेक्ट अटैक करता है तो आप दुश्मन को उठाकर या डायरेक्ट किस तरीके से फेंकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक से आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको समय से वीडियो मिलती रहे। Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, रोड फाइट में दुश्मन सामने से आता है और डायरेक्ट आप पर अटैक करता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है देख लेते हैं। अटैक इस तरीके से आपको यहां से ग्रिप करना है और तुरंत इस पैर को लेके इनसाइड, पहले आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूं फिर आपको फास्ट भी करके दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले क्या करना है आपको, ग्रिप करना है अटैक करते हुए और तुरंत बिगर मौका दिए आपको इनसाइड इस तरीके से जाना है शोल्डर को झुकाते हुए और इस लेग को इस तरीके से डाउन करना है और यहां से पुश करना है और इस हाथ को खेच देना है। देखिए एक बार दिखाता हूं, सेवन अटैक और पूरा फोकस सामने वाले पर आपको होना चाहिए और तुरंत आपको अटैक कर दे, इनसाइड जाना है और थ्रो कर देना है। देखिए एंड थ्रो एंड यहां से उठाना है और फेंक देना है। थोड़ा आपको फास्ट करके दिखा देता हूं, अटैक वन टू एंड थ्री, इस तरीके से आपको दुश्मन को फेंक देना है। इस साइड से भी देख लेते हैं एक बार, ग्रिप अटैक लॉक किया, ग्रिप किया, हाथ को ग्रिप कर लेना है आपको और फिर उसके बाद इस तरीके से इनसाइड करना है लेग को और हाथ को इस तरीके से ले जाना है और ध्यान रहे इस तरीके से आपको इस शोल्डर का प्रेशर देना है सामने वाले और इस हाथ से आपको सामने वाले दुश्मन को इस साइड खींचना है इस तरीके से। एक बार फास्ट भी देख लेते हैं अटैक, दोस्तों ये था सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पार्ट 6। ये पार्ट्स आपको कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे पार्ट 7 में, फिलहाल इजाजत, जय हिंद।